हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, अभी तक पार्ट 3 कवर हो चुके हैं स्टेट वाइज कट ऑफ के ऊपर, जिसमें हम हर एक वीडियो में 5 स्टेट का कट ऑफ डिस्कस करते हैं। अभी तक यदि आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा और आप उन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहां पर नीट 2019 नाम से एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करें। देन फ्रेंड्स, आप उसमें वन बाई वन करके हर एक वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाली है, आप उन पार्ट्स को बड़े आराम से देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हम उन 5 स्टेट का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमको अभी तक कमेंट्स देखने को मिले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, सर प्लीज़ हमारे स्टेट का कट ऑफ बताइए। तो मेरे को अभी तक जो कमेंट देखने को आए हैं, उन 5 स्टेट का हम यहां पर कवर करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, यह कट ऑफ आफ्टर एनालिसिस एंड आंसर की और सर्वे के बाद बनाया गया है, तो यहां पर मिस्टेक्स की कोई संभावना नहीं। दोस्तों यदि आपका एनालिसिस, आपने जो कमेंट्स किए हैं, आपने जो सर्वे में कमेंट्स किए थे और आंसर की के बाद यदि आप लोगों ने सही कमेंट्स किए हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको कट ऑफ 101% करेक्ट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कट ऑफ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में हम जब भी वीडियो डालें, वो आपको मिले सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले कुछ आप सर्वे को देख लीजिए कि आखिर सर्वे के क्या परिणाम निकले। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही सर्वे हुआ स्टूडेंट्स के बीच, तो किस टाइप के कमेंट्स देखने को मिले, आखिर किस किस टाइप के मार्क्स आए हैं और कितने परसेंटेज। तो डियर फ्रेंड्स, कट ऑफ में आपके सर्वे में जी दोस्तों 4% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 540 से लेकर 570 के बीच थे। जी हाँ दोस्तों, एंड बात करें अगले, तो 11% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 400 से लेकर 440 के बीच पाए गए। हाँ जी फ्रेंड्स, एंड बात करें 25% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 350 से लेकर 400 के बीच आए। एंड बात करें लास्ट 60% मात्र ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 300 से नीचे डाउन देखे गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम परसेंटेज था जिनके मार्क्स 540 से लेकर 570 के बीच देखे गए। और वही अभी देखने को आ रहा है, जैसे ही आंसर की रिलीज हुई और जो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं हमको, उसमें अभी तक मेरे को सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट्स ही मिले हैं जिनके मार्क्स 600 तक हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, 600 तक, नहीं तो सब 500 से कुछ ऊपर और 600 से नीचे, वो भी कुछ ही परसेंट में है। और बात करें 300, 400, 200, तो इनका परसेंटेज वही आ रहा है 680 में, बल्कि 4% या 2% स्टूडेंट आ रहे हैं जिनके मार्क्स अभी तक देखने को मिले हैं 600। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं लास्ट में आपको कमेंट दिखाऊंगा आफ्टर आंसर की, तो आप खुद आंख से देख लेना कि आखिर कितने कमेंट्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनमें स्टूडेंट्स के मार्क्स 600 आए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कट ऑफ। हाँ जी फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ की श्रेणी में नाम निकल के आता है गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा जिसकी राजधानी हुआ करती है पणजी और लोकनृत्य मंडी, गोवा की मंडी। तो डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गोवा में यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके मार्क्स यदि 390 से लेकर 395 के बीच आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 390 से लेकर 395 के बीच आ रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, MBBS सीट मिल जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका एनालिसिस हुआ है एंड दोस्तों आपका सर्वे हुआ है, और आपकी बात करें आफ्टर आंसर की, तो यही मार्क्स आपके ऐसे समझ में आ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन इतने में हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों SC कैटेगरी की। तो डियर फ्रेंड, पहले OBC को डिस्कस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपके मार्क्स 260 से लेकर 265 के बीच बन रहे हैं आफ्टर आंसर की, तो दोस्तों आपको भी कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपका स्टेट गोवा में सिलेक्शन 101% हो जाएगा MBBS सीट के लिए, मतलब कि आप योग्य हैं। जी दोस्तों, अब बात करते हैं SC। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप
गोवा से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी एससी है तो आपके मार्क्स यदि 250 से लेकर 255 बन रहे हैं आफ्टर आंसर की, जी हाँ दोस्तों आफ्टर आंसर की के बाद यदि आपके मार्क्स 250 से लेकर 255 बन रहे हैं तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर नो टेंशन नो फिकर वाली कंडीशन है, मतलब कि आपके इतने में सिलेक्शन 101% हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी जो कि है एसटी कैटेगरी। तो डियर फ्रेंड्स यदि आप गोवा से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी एसटी है तो आपके मार्क्स होने चाहिए 225 से लेकर 230 के बीच। जी हाँ दोस्तों इतने मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इतने से कम नहीं, क्योंकि आपका एनालिसिस बोलता है आपका आंसर की के बाद यही मार्क्स होना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों एंड बात करें नेक्स्ट तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई थिंक गोवा के कट ऑफ से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी थी वो सभी सॉल्व हो गई होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और नाम आता है कट ऑफ की श्रेणी में स्टेट उड़ीसा का, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर हुआ करती है और बात करें लोक नृत्य की तो ओडिसी। जी हाँ दोस्तों यदि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी है जनरल तो नीट 2019 में यदि मार्क्स आपके आ रहे हैं 505 से लेकर 510 के बीच तो आपको भी दोस्तों कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन इतने में हो जाएगा, मतलब कि आपको MBBS सीट मिल जाएगी यदि आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं कब आफ्टर आंसर की। जी हाँ दोस्तों आफ्टर आंसर की के बाद यदि आपके मार्क्स 505 से लेकर 510 बन रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं कैटेगरी OBC पर। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई सीट्स नहीं है OBC की। एंड बात करते हैं कैटेगरी SC की। तो डियर फ्रेंड्स यदि आपके मार्क्स 407 से लेकर 412 तक आ रहे हैं तो आपको भी टेंशन की कोई बात नहीं, मतलब कि आपका सिलेक्शन इतने में हो जाएगा, आपको सीट बड़े आराम से मिल जाएगी आफ्टर आंसर की के बाद। एंड बात करते हैं डियर फ्रेंड्स लास्ट कैटेगरी जो कि है ST कैटेगरी। तो दोस्तों यदि आपके मार्क्स 2019 में बन रहे हैं नीट एग्जाम में 287 से लेकर 292 तो डियर फ्रेंड्स आपको भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, मतलब कि आपको भी सीट बड़े आराम से मिल जाएगी, है आपका सर्वे बोलता है, है आपका एनालिसिस बोलता है आफ्टर आंसर की के बाद। तो आई थिंक उड़ीसा से संबंधित आपकी जो भी क्वेरी थी वो सभी सॉल्व हो गए हैं। जैसा कि मेरे एक भाई है, नाम नहीं आ रहा, लगातार कमेंट्स कर रहा था कि सर मेरे को उड़ीसा का कट ऑफ बताइए उड़ीसा कट ऑफ बताइए, तो उसको भी संतुष्ट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कट ऑफ की श्रेणी में नाम निकल के आता है केरल स्टेट का। जी हाँ दोस्तों जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम हुआ करती है एंड यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो क्या है कथकली। जी हाँ दोस्तों यदि आप केरल से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी है जनरल तो नीट 2019 में यदि आपका स्कोर आ रहा है 560 से लेकर 575 के बीच तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी जरा सी टेंशन की आवश्यकता नहीं है, आपका यह एक सेव स्कोर है, मतलब कि आपका सेव स्कोर आपको MBBS सीट दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। डियर फ्रेंड्स यदि आप केरल से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी है OBC तो आपके मार्क्स यदि बन रहे हैं 415 से लेकर 420 जी हाँ दोस्तों 2019 नीट एग्जाम में तो आपको भी बड़े आराम से मिल जाएगी सीट। अब बात करते हैं कैटेगरी SC। तो डियर फ्रेंड्स यदि आपको 390 से लेकर 395 नंबर आ रहे हैं आफ्टर आंसर की के बाद तो आपको भी बड़े आराम से मिल जाएगी सीट 2019 में। यदि बात करते हैं दोस्तों लास्ट कैटेगरी जो कि क्या है ST, तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं 280 से लेकर 290 के बीच तो डियर फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन भी 101% हो जाएगा, मतलब कि नीट 2019 में आफ्टर आंसर की आपका एनालिसिस यही बोलता है। तो आई थिंक दोस्तों केरल से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी थी कट ऑफ के ऊपर वो सभी सॉल्व हो गई होंगी। जनरल 560 से 575, OBC 415 से 420, SC 390 से 395 के बीच, ST 280 से 290 के बीच। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कट ऑफ की श्रेणी में नाम निकल के आता है दिल्ली का। तो डियर फ्रेंड्स नीट 2019 में यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी है जनरल, मतलब कि दिल्ली एम्स, तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें आपका
540 से लेकर 550 तक स्कोर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी जरा सी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका यह एक सेव स्कोर है, आपको MBBS सीट बड़े आराम से मिल जाएगी। यह आपका सर्वे बोलता है, यह आपका आफ्टर आंसर की के बाद निकलता है कट ऑफ। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें OBC कैटेगरी में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं 515 से लेकर 520 के बीच, तो आपको भी जरा सी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। आपका है एक सेव स्कोर है, आप बड़े आराम से पा सकते हैं MBBS सीट। जी हाँ दोस्तों, और बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है SC कैटेगरी। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं 420 से लेकर 430 के बीच, तो दोस्तों आपको भी बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका भी यह एक सेव स्कोर है, आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। MBBS आपका इंतजार कर रही है, आपको एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अब बात करते हैं जो कि नेक्स्ट कैटेगरी है और लास्ट ST कैटेगरी। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं 335 से लेकर 340 के बीच, तो आपको भी बिल्कुल 1% टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका यह एक सेव स्कोर है, आप बड़े आराम से पा सकते हैं MBBS सीट। तो आई थिंक दोस्तों, आपको दिल्ली के कट ऑफ से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी साफ हो गई होगी, है ना फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और हमारी कैपिटल दिल्ली के बाद स्टेट निकल के आता है त्रिपुरा, जो कि एक पूर्वोत्तर का राज्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नीट 2019 में यदि आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी है क्या जनरल, और आपके मार्क्स आ रहे हैं 330 से लेकर 340 के बीच, तो डियर फ्रेंड्स आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका यह एक सेव स्कोर है, आपको सीट बड़े आराम से मिल जाएगी। और बात करते हैं कैटेगरी OBC की। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपके मार्क्स नीट 2019 में 180 से लेकर 185 तक बन रहे हैं, तो सीट आपका इंतजार कर रही है बिल्कुल 101%। आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपका एनालिसिस बोलता है, आपका सर्वे बोलता है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है SC कैटेगरी। तो नीट 2019 में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं 170 से लेकर 175 त्रिपुरा में, तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें आपका यह एक सेव स्कोर है, आपको जरा सी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा यदि आपका सर्वे सत्य है, ट्रू है। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो यहाँ पर ST कैटेगरी में कोई सीट्स नहीं है, मतलब कि 0। तो आई थिंक दोस्तों, त्रिपुरा से संबंधित आपकी जो भी क्वेरी थी, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अब चलिए एक नज़र मार लेते हैं अभी तक के जो कमेंट्स आए हैं आफ्टर आंसर की के बाद उन पर। अब आप बोलेंगे कि यह सब करने की क्या आवश्यकता है, तो जरूर है डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको बिलीव हो आफ्टर आंसर की के एनालिसिस पर और हमारे सर्वे पर। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो देख पा रहे होंगे, आफ्टर एनालिसिस वाली यह वीडियो थी कट ऑफ के ऊपर, इसमें कैसे कमेंट देखने को मिले आप खुद देखिए अपनी आंख से। तो यहाँ पे तमीजुद्दीन खान गोरी कमेंट्स करते हैं, आई गॉट यहाँ पे 422 मार्क्स बिलोंग टू 2B कैटेगरी बिल आई गेट एट गवर्नमेंट बेंगलोर मेडिकल कॉलेज। देन इसके बाद नितिन यादव का नंबर आता है, आई गॉट 539 मार्क्स यहाँ पे एंड आई एम इन जनरल कैटेगरी फ्रॉम राजस्थान कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज इन राजस्थान। नेक्स्ट इसके बाद आता है बैतूल। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कमेंट्स किया है इन्होंने, सर गुजरात UR कैटेगरी EWS कोटा नीट मार्क्स 422 गुजरात में, यहाँ पे इस टाइप के कमेंट्स है। देन इसके बाद आता है आयुष वर्मा, आफ्टर आंसर की 545 OBC UP से बिलोंग करती हैं जी। इसी टाइप से अगला कमेंट है अनुराग मीना का, सर ST कैटेगरी नंबर 395 गवर्नमेंट में होगा कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पे 430 ST इन राजस्थान। डियर फ्रेंड्स, तो इस टाइप से कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें आई थिंक आपको कमेंट्स से संबंधित जो भी क्वेरी थी वो भी सॉल्व हो गई होगी कि आखिर किस टाइप के कमेंट्स अभी तक देखने को आए हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के कमेंट दिखाने का मेरा एक ही मकसद था, ताकि आपको बिलीव हो कि हाँ, इस टाइप के कमेंट देखने को मिल रहा है कि अभी तक 600 मार्क्स देखने को मेरे को नहीं मिले अपने कमेंट्स बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें दिल से, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दिल से, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपसे एक बात और बोल दूं कि यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब कि ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है।
आपको इसमें 2 से 5 नंबर के वेरिएशन बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आपके नंबर 5 बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अब आप लोग इसमें ये नहीं बोलना कि सर आपने तो इतना बोला था और ये वेरिएशन देखने को मिल गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता ही है जिसमें आपसे 2 से 5 नंबर का वेरिएशन बड़े आराम से हो जाता है, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको हर एक क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।